हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएस एक्सेल के अंदर आपको सिंपल वी लुकअप विथ फ्रिज बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपको सिंपल वी लुकअप बताया, तो आज हम आपको सिंपल वी लुकअप विथ फ्रिज का यूज़ बताने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो उसका ये हमने आप डेटा बना रखा है, तो सिंपल वी लुकअप विथ फ्रिज शीट लिख देते हैं, कोई नहीं, शीट ही होता है हमारा जो यहाँ पे डेटा है। तो इसको मैंने मर्ज एंड सेंटर एंड साइज बड़ा कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नाम है आपका सबसे पहले वही नेम होना चाहिए। कुछ एम्प्लॉय कोड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एम्प्लॉय कोड नंबर डाल के कुछ नेम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर अब अगर सिंपल वी लुकअप लगाएंगे तो कैसे आएगा, देखिए मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ कि यहाँ पर कैसे निकालते हैं, लेकिन देखिए अब मैं आपको यहाँ पे निकालना बता रहा हूँ सिंपल वी लुकअप विथ फ्रिज। ओके, इज इक्वल टू वी लुकअप, देखिए वी लुकअप लिखते हैं, लुकअप वैल्यू आ गया हमारा। वैल्यू क्या है, किसका निकाल रहे हैं, पूजा, पूजा का सेल नंबर क्या है, A14। ये देखिए, फिर कॉमा, फिर टेबल एरे, टेबल एरे हमारा ये हो गया टेबल एरे। अब देखिए टेबल एरे कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 1 नंबर पे हमारा नेम एम्प्लॉय नेम और 2 नंबर पे फादर्स नेम, तो 2 आ रहा है क्योंकि हमें फादर्स नेम निकालना है। तो यहाँ पे 2 कॉमा देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये देखिए ये आ गया है। लेकिन स्टूडेंट जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ा होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे 600 है और मैंने यहाँ पे 500 डेटा है, तो क्या हम एक एक का एक एक बार फार्मूला डालेंगे, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से खींच के निकालना है। देखिए आ रहा है, अब देखिए ये आ रहा है सबसे लास्ट में, देखिए स्टूडेंट्स नहीं आया, जबकि हमारा फार्मूला ठीक है। तो मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ, आपके पास लैपटॉप है तो FN दबा के F2 दबाइए, अगर आपके पास सिर्फ कीबोर्ड है तो सिर्फ आप F2 दबाइए, तो आपके यहाँ पे दिखाई देगा फार्मूला। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने फार्मूला देखा, ये देखिए जो रेड कलर का रेंज है ये तो ठीक है। अब फिर आपने इसका फार्मूला देखा, देखिए जैसे जैसे आप ड्रैग करते हो, खींचते हो नीचे, देखो ये नीचे खींचता हुआ जाता है, देखिए ये अरुण आ गया ना। अब देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, अब ये रंजन है, इस पर भी देखिए खींचा, देखिए ये इसके नीचे आ गया। ये देखिए आप लास्ट में अरुण का क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए ये जो आपने खींच रहे हो तो ये रेंज यहाँ तक आ रहा है, देखिए मतलब इस रेंज के ऊपर आपके अरुण है, इसीलिए ये नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने जब नीचे खींचते हैं तो ये आपका ऐसे होता जाता है, तो आपको यहाँ पे फ्रिज करना होगा। फ्रिज कैसे करते हैं, अभी फिलहाल हमें ये इस नंबर को फ्रिज कर रहा है जो ये वाला नंबर है। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर क्या है, रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे नंबर में भी देखो रेड कहाँ पे आ रहा है, ये रेड आ रहा है, तो आपको इसी रेड को सिलेक्ट करना है, इस रेड के रेंज के एरिया को। फिर आपको यहाँ पे F4 दबाना है। F4 से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पे F4 से रो और कॉलम फ्रिज हुआ है। तो देखो रो ऐसे में फ्रिज हो गया और कॉलम वर्टिकल में फ्रिज हुआ है। जैसे आप एंटर करोगे स्टूडेंट्स, आप देखो खींचो ऊपर से, जैसे खींच के ले आओगे, जैसे आपके नीचे की और जितना भी डेटा क्यों ना, आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे आने लग जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स अब आप F2 करके देख सकते हो, ये देखिए आपका नीचे नहीं आ रहा, F2 देखिए, अब देखिए आपके रेंज वहाँ पे पूरा स्टोर हो चुका है। तो इस तरीके से आप जब नीचे की ओर आप ड्रैग करते हो तो फादर्स नेम और एड्रेस का भी निकाल सकते हो। एक बार मैं एड्रेस का निकाल के दिखा देता हूँ, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, यह हमारा पूजा का सेल नंबर A14, फिर कॉमा टेबल एरे हमारा ये हो गया कहाँ से, A2 से G8 तक, देखिए यहाँ पे ले लिया। और आप साथ साथ में भी आप फ्रिज कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करके F4 दबा दीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो FN फंक्शन की के साथ F4 दबाना है, अगर कीबोर्ड है तो सिर्फ F4 से भी आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो टेबल एरे हमारा, इसको F4 फ्रिज किया, फिर कॉमा, देखिए हमारे कॉमा करने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पे हम किस कॉलम का निकाले स्टूडेंट, देखिए 1, 2, 3 नंबर पे हमारा एड्रेस है, तो यहाँ पे कॉलम नंबर 3 आ जाएगा, फिर कॉमा, फिर 0 किस लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये देखिए स्टूडेंट्स हमारा एड्रेस आ गया। अब आपको यहाँ पे दोबारा कुछ यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हमारा फ्रिज ऑलरेडी लग चुका है। अब मैं सिर्फ ड्रैग कर दूंगा तो देखिए नीचे आ जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक बार आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसका नाम है वी लुकअप विथ फ्रिज। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लास में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।